कुछ दिनों पहले हमारे रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का एक इंटरव्यू हो रहा था एक लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर, और ये उस दिन था जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया गया था पुरी और हावड़ा के बीच में। और इस समय पर सवाल इनसे पूछा गया कि जो आने वाली स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस होगी उसके बारे में क्या अपडेट है, क्या क्या चीज़ें होगी। और इस समय पर कुछ ऐसी चीज़ें रिवील की गई जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। यहाँ पर चाहे वो ट्रेन का डिज़ाइन हो, उसके अंदर मिलने वाले फीचर्स हो, उसकी टाइमलाइन हो, या इंडिजिनसली बनी हुई टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन, सब चीज़ों के बारे में बताया गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा उस समय पर की गई वो थी इस ट्रेन की स्पीड जो बताई गई 240 किलोमीटर पर आवर की। अब तक जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया के अंदर लॉन्च हुई है वो मॉडर्न है, फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, लेकिन स्पीड के हिसाब से हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में इतना आगे नहीं है। इनफैक्ट एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले रिलीज़ की गई थी जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और उसमें मैंने कहा था कि अगर वंदे भारत एक्सप्रेस उसी डिजाइन के साथ में बनती रही जो अभी चल रही है तो आने वाले कुछ समय के बाद में वो लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि चाहे वो कितनी भी अच्छी ट्रेन क्यों ना हो ग्लोबल लेवल पे भी पीछे है। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई इंटरव्यू में, एक चीज़ समझ में आ गई कि रेलवेज भी इसके बारे में ऑलरेडी सोच चुकी थी, और जो एक्चुअल हाई स्पीड ट्रेन कैटेगरी आती है 200 किलोमीटर पर आवर के आगे की, वहाँ पे भी रेलवे सीरियसली सोच रही है, और 12 से 13 महीनों में ये ट्रेन देखने मिलेगी ये भी कहा गया है। तो कैसी होगी ये न्यू स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस, कैसे ये अटेन करेगी 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और क्या नया इसके अंदर होगा, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्चुअल इनिशियल नेम था जब ये फैक्ट्री से निकली थी, और इसे 2018 में बनाया गया था इसलिए इसका नाम ऐसा था। लेकिन उस समय पर एक नया कॉन्सेप्ट की बात की गई थी जब ये ट्रेन सक्सेसफुल होने लगी, और वो थी ट्रेन 20। ट्रेन 20 के बारे में कहा यह गया था कि ये एक स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, लेकिन कई सारे ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और एक्सपायर्ड चीज़ों की वजह से ये ट्रेन कभी साकार नहीं हो पाई। लेकिन लॉकडाउन के बाद में जब धीरे धीरे रेलवेज ने वंदे भारत एक्सप्रेस को सक्सेसफुली चलते हुए देखा, इसकी पूरी टेस्टिंग कर ली, तब एक बहुत बड़े लेवल पे इसके लिए बजट अनाउंस होना शुरू हुए, और हमें ना सिर्फ इंडिया लेकिन दुनिया के अंदर किसी ट्रेन सेट के लिए दिए गए वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर्स देखने मिलना शुरू हुए, और मोर देन 300 वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑर्डर्स जो है हमें बुक्स में देखने मिले। और उस समय पर यह भी अनाउंस किया गया कि सारे वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरीके की नहीं होगी, बल्कि एक स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई जाएगी स्पेशली लॉन्ग रूट्स के लिए, जैसे दिल्ली मुंबई है, दिल्ली कलकत्ता है, चेन्नई मुंबई है, इन रूट्स के लिए। और ये सुनकर काफी लोग खुश हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो नए वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनने थे उनको बनाया जाना था एल्यूमिनियम से, और ये एक बड़ी बात थी। और अभी जो ये ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई है 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने के लिए, इसके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम को चूज क्यों किया गया। तो ऑब्वियसली पहला एडवांटेज एल्यूमिनियम का यही आता है कि ये बहुत लाइट वेट है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल कम एनर्जी यूज करता है, जिसकी वजह से इससे बनी हुई ट्रेन ज्यादा जल्दी एक्सेलरेट हो सकती है, ज्यादा जल्दी ब्रेक कर सकती है, और ऑब्वियसली ज्यादा स्पीड में चल सकती है। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत थी, दिक्कत ये कि हमारे जो रेलवे की कोच फैक्ट्रीज है वहां पर कहीं पे भी बहुत बड़े लेवल पे एल्यूमिनियम कोचेस बनाना पॉसिबल नहीं था। दोस्तों एल्यूमिनियम को इजीली वेल्ड नहीं किया जा सकता, इसको जो है मोल्ड करना डिफिकल्ट होता है, और बेसिकली इसके साथ में काम करना ज़रा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से इसके लिए जो फैक्ट्रीज की जरूरत है ऐसी कोचेस को बनाने के लिए जो एल्यूमिनियम से हो, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। हालांकि जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री लातूर वगैरह है उनमें कुछ हद तक कैपेबिलिटी है इसके ऊपर काम करने की, लेकिन ओवरऑल रेलवे में जो पुरानी कोच फैक्ट्रीज है वहां पर ये करना डिफिकल्ट है। और इसलिए जो स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस थी इसके लिए ग्लोबल टेंडर्स निकाले गए, कई भारी कंपनीज, एल्स्टॉम, रशियन गवर्नमेंटल कंपनीज, इन्होंने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया जिनमें कैपेबिलिटीज थी, और इन्होंने इंडियन कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट जीते भी, और इसके वजह से हमें स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस मिल पाएगी। और अब ये ट्रेन 240 की स्पीड को कैसे पहुंचेगी वो समझते हैं। अब पहली बार सीटिंग ट्रेन और स्लीपर ट्रेन के अंदर जो वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस होता है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। बेसिकली जो पूरे के पूरे वेट का सेंटर होता है, या जो मैक्सिमम आप एक वेट किसी पॉइंट पे नोट कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन जो आप स्क्रीन पर वैसे देख सकते हो, लेकिन एकदम सिंपल भाषा में इसको मैं इसी तरीके से बोल सकता हूं। ये नीचे होती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होती है उतनी वो स्टेबल होती है, बेसिकली जमीन से चिपक के वो चलती है। इनफैक्ट दोस्तों यही चीज अब कार्स में भी देख सकते हो कि सेडान कार्स जनरली बेटर हैंडलिंग ले आती है कंपेयर टू एसयूवी या ऊंची गाड़ी या बस ट्रक वगैरह से, और सेम चीज इस ट्रेन के लिए एप्लीकेबल होना शुरू हो गई। अब यही चीज अगर हम ऐड कर दें कम वेट के साथ में, तो यहां पर ये बेनिफिट और ज्यादा बन जाता है।
इसके अलावा इस ट्रेन के अंदर जो अपग्रेडेशन किए जाने वाले हैं वो होंगे सिग्नल सिस्टम्स के अंदर। जनरली जो अभी ट्रेन हमारे देश के अंदर वंदे भारत इनिशियल बनी थी उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई गई थी कि वो CBTC या इक्विवेलेंट टाइप ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सके। अब जो लोग CBTC नहीं जानते, वो काइंड ऑफ एक पूरा ऐसा सिस्टम होता है जो ट्रेन को ऑटोमेटिकली चलाने में या एटलीस्ट सिग्नल को जो है डायरेक्टली केबिन तक ले आने के लिए और फिर उसके सबसे एक्ट करने के लिए बना होता है ऑटोमेटिकली। जो मोटरमैन है उसको देखना नहीं पड़ता एक्चुअल में बाहर हो क्या रहा है, सिग्नल कौन से कलर का है। और ये चीज न्यू वंदे भारत में एनेबल्ड होगी और कहीं ना कहीं पर ट्रेन की जो स्पीड बढ़ाने के हार्डवेयर कैपेबिलिटीज है उससे ज्यादा ये सिग्नलिंग कैपेबिलिटीज और ट्रैक कंडीशंस मैटर करते हैं इन ट्रेन्स को ज्यादा स्पीड पे चलने के लिए। और जो तीसरी मेन चीज इसको स्पीड पे चलने के लिए केपेबल बनाएगी वो होगी ऑब्वियसली ट्रैक। रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि मल्टीपल सेक्शंस में अपग्रेडेशन चल रहा है जो कि हो भी रहा है, लेकिन कुछ सेक्शंस को बहुत ही बड़े लेवल पर अपग्रेड किया जाएगा जहाँ पर एक्चुअल में ये स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर की अटेन भी हो पाएगी। इसके अलावा सेफ्टी के लिए एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी जो कवच है उसका भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया जाएगा, जिसकी वजह से जो आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो इजिली 240 किलोमीटर पर आवर पर चल पाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि मैक्सिमम स्पीड है, एवरेज नहीं, क्योंकि बहुत कम सेक्शन ऐसे होंगे जहाँ पर ये कुछ मिनट्स तक कंटिन्यूसली ऐसी स्पीड रख पाएगी। बात करें दूसरी चीजों के बारे में तो यहाँ पर कहा गया कि इंटीरियर्स अपग्रेडेड होंगे, एक्सटीरियर्स अपग्रेडेड होंगे, ज्यादा मॉडर्न ग्लोबल लेवल पे जो टेक्नोलॉजिकल फीचर्स वगैरह मिलते हैं कोचेस के अंदर वो यहाँ पर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है वो तो आने के बाद में पता चलेगा, चाहे वो सीट डिजाइन हो, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हो, वाईफाई हो, जो भी है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये ट्रेन भी जो है वो फेज्ड वाइज मैनर में हमें धीरे धीरे ओपन होते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि इंडियन रेलवे बहुत ज्यादा सीरियसली टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हुए अब रेलवेज को अपग्रेड कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।